आज बड़ा अच्छा लग रहा है। पाली जिले के रानी तहसील से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ा लास लारा भाकर के अंदर एक चमत्कारी दरबार भगवान भोलेनाथ का कोटेश्वर महादेव के नाम से एक स्थान है, जहाँ पर हजारों करोड़ों लोग यहाँ आकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने मन के भाव अर्पित करते हैं। और इतना चमत्कारी दरबार है और यहाँ पर आप देख रहे हैं हर रोज श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, जिनका आवागमन चालू रहता है। आज हम सभी भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में एक सुंदर सा भोलेनाथ का ये दरबार सजा हुआ है। चलिए, काटेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बताया था, जो अमर गंगा है, जिस कुंड से स्नान करने से शरीर के अन्य रोग, चरम रोग दूर हो जाते दूर हो हैं, जाता है। ऐसे आगे के बारे में मैं चर्चा करने के मंदिर के शिव पुजारी जी बाप जी से मैं आपको लाइव रूबरू करवा रहा हूँ। विधि से स्नान करने करने से रोग जो है, दर्द है, खुजली है, कोई भी दुख निवारण हो जाता है। जो काटेश्वर जी की प्राचीन चमत्कारी हाँ तीर्थ भेरी है, हाँ तू बोल सुना दो। काटेश्वर जी की प्राचीन चमत्कारी भेरी तीर्थ भेरी अमर गंगा नाम से प्रसिद्ध है और उसे वीरम बावड़ी भी कहते हैं। और यहाँ से स्नान करने से जो शारीरिक जो अंग अंग जो शारीरिक जो पीड़ा है, जो श्रम रोग, जो सफेद निशान और खुजली, खाज खुजली, मसल जो दर्द भी है, वो स्नान करने से मेट हो जाता है। ठीक है, ये 475 वर्ष पुराना ये मंदिर है। आज से सर्वप्रथम आज हम बूढ़ालास की पावन धन्य धरा पर पहाड़ों के बीच में कोटेश्वर महादेव जी का एक बहुत सुंदर सा दरबार बना हुआ है। मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर चढ़ाव के बीच में एक अमर गंगा कुंड तीर्थ धाम बना हुआ है, जहाँ पर उस कुंड धाम की एक ऐसी विशेषता है, शरीर के चरम रोग या अन्य प्रकार से दाद खाद खुजली, उसके पानी से स्नान करने से ठीक हो जाते हैं। ऐसा चमत्कारी दरबार यहाँ पर बना हुआ है। और आज हम सभी मतलब हजारों श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और इस कुंड धाम में स्नान करके अपने चरम रोग को या अपने शरीर की पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसा चमत्कारी दरबार आज हम सभी यहाँ पर काफी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिवर्ष अपने दर्शन करने के लिए यहाँ पर अपने मन के भाव को लेकर आते हैं। और मैं हूँ एंकर विक्रम आदिवाल, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और देखिए, ये पूरा का पूरा आप जो देख सकते हैं खुशनुमा नजारा, कुछ देख लो लोग ही।